हेलो गाइस, 60 डे चैलेंज का आज है दूसरा दिन और आज हमने 11 बजे वाले सेशन को कर लिया है, लेकिन किसी कारणवश वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैं रिकॉर्डिंग लगाया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, लेकिन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरा मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखाने वाला हूँ ट्रेड का, प्लस अभी 5 बजे वाली जो सेशन होने वाली उसको मैं लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड करूंगा अच्छे से, एंड उसको और प्लस 11 बजे दोनों को मिक्स करके मैं आपको दिखाऊंगा। और किसी भाई ने मुझे कहा था कि आप बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो कर दे रहे हो, क्योंकि मैं बिना आपको कट किए वैसे ही वीडियो को अपलोड कर दे रहा हूँ। तो एक भाई ने बोला कि आप जो ट्रेड कर रहे हो सिर्फ उसी का डालो, जिससे कि हम लोग बोर ना हो सकें और वीडियो को देख सकते। तो नेक्स्ट मैं ऐसे ही करने वाला हूँ। फिलहाल देखो, मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था उसका टाइम टेबल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं मिलाओगे तो हम लोगों ने जो कल सेशन किया था उसमें हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ था $20 का, यानी 10% का, और आज हम लोगों ने उसको रिकवर कर लिया है। तो कैसे किया, और अभी जो हम सेशन करेंगे 5 बजे वाला, अगर वो अच्छा जाता है तो आज हम लोग को एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी हो जाएंगे, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे हमने जो पहले ट्रेड किया था उसमें हम लोग का आज भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, फिर हम लोगों ने ट्रेड करके अच्छे से प्रॉफिट किया, एंड उसके बाद बैक टू बैक देखो यहाँ पे प्रॉफिट जा रहा था, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड हमने 3 कर लिया तो फिर यहाँ पे 5 मिला, फिर 3 कर लिया तो यहाँ पे इतना मिला, ठीक है? इस तरीके से लगातार यहाँ पे 6 ट्रेड प्रॉफिट भी गया, ठीक है? इस तरीके से लगातार 6 ट्रेड प्रॉफिट गया, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है? लगातार 6 ट्रेड यहाँ पे बैक टू बैक प्रॉफिट गई, फिर उसके बाद 1 ट्रेड लॉस गया, और ये सब डेट आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है? आप यहाँ पे डेट देख पाओगे, आज का तारीख है 9 तारीख है, ठीक है? 9 जुलाई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डेट आपको और टाइम दोनों मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो 2024/7/9/12/16, ठीक है? ये डेट है, मैंने 11 बजे से स्टार्ट किया था तो 12 बजे तक चल रहा था सेशन, 1.5 घंटे चला था, क्योंकि लॉस हुआ था तो उसको रिकवर भी करना, ठीक है? तो लगातार 6 ट्रेड प्रॉफिट गया, फिर 1 ट्रेड लॉस गया, फिर 1 ट्रेड प्रॉफिट गया, फिर यहाँ पे 2 ट्रेड लॉस गया, फिर 1 ट्रेड प्रॉफिट गया, ठीक है? इस तरीके से फिर 1 लॉस गया, फिर प्रॉफिट गया, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने सेशन को क्लोज कर दिया था, क्योंकि मार्केट उतना सही नहीं था तो मैंने क्लोज कर दिया कि हम लोग आज का जो कल लॉस गया था उसको हम लोग ने रिकवर कर लिया, और उसमें सिर्फ और सिर्फ $4 ही माइनस है। जैसे $200 हमने स्टार्ट किया था तो फर्स्ट दिन ही हम लोग का 10% स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो हम लोगों ने बंद कर दिया था। तो उसको देखा जाए तो यहाँ पर हमने उसको रिकवर कर लिया, जो कि कल $16 कुछ मेरा लॉस गया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने आज प्रॉफिट भी बुक किया है, और कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया है एक्स्ट्रा, जिनका मतलब थोड़ा सा अच्छा ट्रेड लग रहा था, किसी किसी मार्जिन से किसी का प्रॉफिट जा रहा था तो उनका इस तरीके से हुआ, बट सबका अगर देखें तो इतना है, ठीक है? ऑलमोस्ट अभी $4 की माइनस में ही है, लेकिन अभी हम लोग 5 बजे वाले सेशन को करने वाले हैं, जो कि अभी का टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, ठीक है? तो अभी कुछ देर बाद हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे, उसको रिकॉर्ड करके मैं आपको डालूंगा, और आप लोग बोर हो रहे हो तो मैं बीच बीच में जो लेंदी पार्ट होगा जहाँ पे ट्रेड नहीं किए होंगे उसको हम कॉट करेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पे मैं आपको ट्रेड वाले में लेकर चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे लाइव आपको बैलेंस भी दिख जाएगा कि कितना है, और यहाँ पे देखो हम लोगों ने जैसे जैसे ट्रेड किया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? और आज हम लोगों ने अभी तक प्रॉफिट बनाया है, जो इस बैलेंस के अकॉर्डिंग $13 की प्रॉफिट हुई है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो $13 की प्रॉफिट हुई है। तो हमको क्या करना है, इसमें डेली 10% हमको गेन करना है या फिर 10% स्टॉप लॉस हिट करना है। तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया और कल ही हम लोग का मार्केट बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए 10% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसलिए आपको बैलेंस जो है अभी माइनस में मतलब कम दिख रहा है, ठीक है? तो आज हम लोगों ने कोशिश किया, ट्राई किया इसको रिकवर करने का, और रिकवर भी कर पाए हैं, थोड़ा सा कम है। तो अब मार्केट ये 5 बजे वाली है, जो कि आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 4:02-3 होने वाले हैं। तो जब 5 बजे वाली सेशन स्टार्ट होगी तो उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे एंड आपको डालेंगे। तो आप लोग वीडियो को देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना। तो चलिए हम मिलते हैं 5 बजे वाली सेशन में, एंड आपको यहाँ से कंटिन्यू मैं दिखाता हूँ 5 बजे वाली सेशन कैसी रहती है। तो अभी यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, जैसा कि देख सकते हैं 4:59:55 हो चुके हैं, 5 सेकंड में 5 बज जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग 5 बजे वाली सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका आपको लाइव दिखाएंगे हम। तो 5 बज चुका है, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे ज्वाइन का स्टिकर मैं सेंड करता हूँ जिससे कि लोग यहाँ पे ज्वाइन करने लग जाए, ठीक है? तो चलो हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पे अब लोग ज्वाइन करने लगेंगे, ठीक है? जितने लोग भी एक्टिव है सब लोग ज्वाइन करेंगे, सब लोग यहाँ पे एक्टिव होंगे आई थिंक मेरे हिसाब से, तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ, और मैं सबका माइक भी जो है अलाउ कर देता हूँ, पहले स्क्रीन को मैं पहले शेयर कर देता हूँ, ठीक है? पहले स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ से माइक को अलाउ करता हूँ, और ये हम लोग यहाँ पे पहले 2 मिनट आराम से बात करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है? और रियल मार्केट अभी सही है, मैंने देखा, चेक किया है डेमो पे, ट्रेड सही लग रही थी। तो अभी हम अलाउ करते हैं सबका, अपनी तरफ से म्यूट ही रखना, ठीक है? जब हम लोग बात करेंगे, कोई डाउट हो कुछ बोलना, तब आप लोग अपनी तरफ से अनम्यूट करके बोलना, नहीं तो म्यूट रखना। सबका मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है? सबका अलाउ कर देता हूँ, जितने लोग जुड़ गए हैं सबको मैं अलाउ कर देता हूँ। अब ब्रदर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ म्यूट कर लेना। ओके, चलिए मैंने एक एक करके सबको अलाउ दे दिया, इधर से अपनी तरफ से परमिशन दे दिया, ठीक है? चलिए अब ब्रदर, कल जैसा मार्केट नहीं है, ठीक है? आज उतना ख़राब नहीं है, आज स्क्रीन भी मतलब उस तरीके का लेग नहीं करेगा। कल शायद न्यूज़ था, वो भी उसका असर था या फिर जो भी था, ठीक है?
तो हम लोग ट्रेड करेंगे अभी $20 का रिक्स लेकर, ठीक है। और हम लोग का टारगेट रहेगा $40 का, यानी 1:2 का रिक्स रिवार्ड चलेगा, जैसे कि हम लोगों ने मॉर्निंग में बनाया था, सेम उसी तरीके का। और मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने अमाउंट का ट्रेड लेना है, बाकी हमने जैसे बताया था आपको सेम उसी डायरेक्शन में और उसी तरीके से ट्रेड करना है। किसी को कुछ पूछना हो तो भी बोल सकते हैं, ठीक है। भाई एक बार मेरे को समझा दो, मैंने सुबह ना सेशन मिस कर दिया था। मॉर्निंग में आप नहीं लिए थे सेशन? मतलब ट्रेड लिया था, जैसे मतलब आपने बोला था ना अभी सेशन बंद करते हैं हम 5 बजे वाला करते हैं, उसके बाद आपने करवा दिया। अच्छा, और उस टाइम आप निकल गए थे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई बात नहीं, देखो ब्रदर मैं बता रहा हूँ, अगर किसी का बैलेंस जैसे $200 पे नहीं है तो आप मेरे आधे का ट्रेड लेना, जैसे हम लोग ले रहे हैं उसके आप आधे का लेना, ठीक है, ठीक है भाई। परसेंटेज वाइज ले लेना। क्योंकि इधर देखो, इधर क्या हुआ था ना आज, मतलब हम लोग लाइव में थे तो डेमो पे ट्राई कर रहे थे, मार्केट सही था तो सब लोगों ने बोला कि चलो करते हैं, फिर हम लोगों ने ट्रेड ले लिया था, ठीक है। तो ब्रदर आप लोग यूरो JPY का मार्केट ओपन कर लो और अमाउंट $3 सेट कर लो, डिफ़ॉल्ट टाइम आपका रहेगा, ठीक है, 17:04, और यूरो JPY ओपन कर लीजिए आप लोग। करना हाँ, माइक अपना म्यूट कर देना ब्रदर जी, इधर से आवाज़ आ रही है, नहीं तो बाकी लोगों की समझ में नहीं आएगी मैं जो बोलूँगा। यूरो JPY की आप मार्केट ओपन कर लीजिए ब्रदर, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे, डाउन की ट्रेड लेंगे, डाउन। तब तक अगला अमाउंट सेट करके रखिए, अगर ये लॉस जाता है तो आपको ले लेना है इसका MTG, ठीक है। अगला अमाउंट आपका $6 का रहेगा, आप अमाउंट सेट करके रेडी रहिए। और इसका परसेंटेज भी बढ़ गया, 87% हो गया, तो अच्छी खासी परसेंटेज भी हो गया 85 से। भाई इसमें कैंडल वो खराब बना, क्या हुआ? इसमें कैंडल खराब भाई। अच्छा चलिए देखते हैं, मेरे को तो ख़राब नहीं लग रहा है वाला मार्केट, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया इसके पहले भी, डेमो पे मैंने देखा, ट्रेड लगाकर भी देखा, तो फर्स्ट ट्रेड श्योर शॉट हो चुकी है, विन है सबकी, ठीक। चलिए तो वापस से आप लोग यहाँ पे बैलेंस को 3 कर लीजिएगा, नहीं तो 6 का लग जाएगा, ठीक है, तो वापस से $3 कर लीजिए। और इसी मार्केट में रहना, ठीक है, रियल मार्केट है तो इसमें बार बार आपको चेंज करने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे अप डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे $3 का, यूरो JPY में अप डायरेक्शन की हम लोग ट्रेड करेंगे $3 का। ओके ब्रदर, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन अभी आप ट्रेड यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, $3 का ट्रेड लेना अप डायरेक्शन का। अप का ले लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, जितने लोग भी म्यूट हैं सबको मैं अनम्यूट कर देता हूँ एक एक करके। अब ब्रदर तब तक मैं इधर देख रहा हूँ, ठीक है, ट्रेड अगर ये लॉस जाती है तो 6 का ले लेना अप डायरेक्शन की ट्रेड, ठीक है। और फिर मैं आपको म्यूट, जितने लोग म्यूट हैं आपका ट्रेड लेना अगर ये लॉस जाती है तो, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड आपका लेना $6 का। जो लोग म्यूट हैं मैं उनको म्यूट अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है, पहले ट्रेड को हम लोग कर लेते हैं, आपका ट्रेड लेना, ठीक है, 87 से 85% वापिस से हो गया, आपका ट्रेड लेना। एंट्री थोड़ा सा ऊपर हुआ है, अगर ये लॉस जाती है तो $12 आप सेट करके रख लो, ठीक है, 12, सॉरी 13 हो गया, 12, अगर ये लॉस जाती है तो फिर भी आप आपका ट्रेड लेना यहाँ पे। लास्ट तक देख कर लेना, घबरा कर मत लेना, ऐसा ना हो कि ट्रेड प्रॉफिट जाए चला जाए फिर आप ट्रेड ले लिए, ठीक है, नहीं तो उसमें फंसने की चांस हो जाती है। 4, 3, 2, 1, प्रॉफिट है ब्रदर जी। भाई बोलिए बोलिए, रिकॉर्डिंग शुरू है या बंद नहीं हो गया ना? नहीं, रिकॉर्डिंग इस बार शुरू रखा हूँ उस टाइम रिकॉर्डिंग शुरू था, बट 1.5 घंटा का रिकॉर्डिंग था, पता ना उसमें क्या हो गया, कुछ ग्लिच हो गया या फिर क्या हो गया, मतलब ऑडियो फॉर्मेट में हो गया था और चल भी नहीं रहा था, कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा था, जब मैं बाद में देखा तो पता चला। ओके चलिए, आप लोग बैलेंस को वापस आ जाइए $3 पे, बैलेंस को हर टाइम ध्यान रखना है कि चेंज हर टाइम करते रहना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ट्रेड। वापस हम लोग $3 का ही ट्रेड करेंगे, और अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे,
एक कैंडल का वेट करेंगे इसी मार्केट में। युवराज भाई, ये जो मूविंग एवरेज लगाया है आपने, इसका सेटिंग क्या है? इसका डिफॉल्ट सेटिंग है ब्रदर, जो मैंने इसके ऊपर कंपाउंडिंग का भी वीडियो डाला हुआ है 3 स्टेप का, मूविंग एवरेज का 10 है। देखो एस में 10 डिफॉल्ट सेटिंग होता है, मूविंग एवरेज एस में 10 दिख रहा है। इससे देखो मार्केट का एक ट्रेंड पता चलता है, ठीक है, कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। ज़्यादातर देखिएगा अगर मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल होगा ना, तो आप उसमें अगर ट्रेड ले रहे हैं तो डाउन का ही लेना, तो ज़्यादा प्रॉफिट की चांस होती है। अगर ऊपर है तो आप अप का लेना, बट ऐसे ही मत लेना, ट्रेंड को देखकर सब कुछ देखकर थोड़ा सा एनालिसिस करके लेना, ठीक है। हाँ, अभी एक कैंडल अगर रेड बनता है तो एक ट्रेड हम लोग अप की करेंगे, अगर एक कैंडल रेड बनता है तो रेड अप की करेंगे ट्रेड $3 का, अगर ये रेड बनता है तो अप ट्रेड। बहुत लेट अभी लग रहा है, लगा नहीं अभी तक मेरा, अब लगा, ग्लिच करेगा तो वापस हम लोग OTC में स्विच कर जाएंगे, ठीक है। तब तक अमाउंट सेट कर लो ब्रदर, $7 तब तक सेट करके रखो, 7 8 हो गया। आज की कैंडल नाच रहा है, क्या हो रहा है? कैंडल आज की तरीके से नाच रहा है। हाँ हाँ ठीक है, $7 आप सेट कर लीजिए, लॉस जाता है तो आप इसी डायरेक्शन में लीजिएगा, बट देख कर मार्केट को। चलिए श्योर शॉट ओके, और वापिस से बैलेंस आप कम कीजिए और बता रहे हैं कितना का होगा अगला। 3 ट्रेड ना निकला अभी हम लोग का, अभी 3 का ही रहेगा अमाउंट, अभी 3 का ही रहेगा, ठीक है। अभी अभी कंपाउंडिंग होगा ओके, अभी अमाउंट 3 का ही रहेगा, अमाउंट अभी $3 का ही रहेगा, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अभी रुकेंगे, अभी रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। एक ट्रेड हम लोग डाउन की करेंगे इसमें, अगर एक कैंडल ग्रीन बनता है तो डाउन की ट्रेड करेंगे यूरो JPY में, डोजी बन जाएगा छोड़ देना, अगर ग्रीन बनता है तो डाउन की ट्रेड लेना $3 का, अगर डोजी बनता है या फिर रेड बनता है छोड़ देना डाउन। आखिर लास्ट में डोजी ही बन गया, ठीक है, और एंट्री भी गलत हो गया, डोजी बन गया। हाँ लास्ट में 1 सेकेंड में बन गया, और लास्ट में मतलब एंट्री भी गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला अमाउंट आप सेट करके रखो ब्रदर, 3 का 7 का, $7 सेट करके रखो। हमारा एंट्री बहुत ज़्यादा नीचे हो चुका है इस कैंडल में, अगर ये कैंडल रेड बनता है तो छोड़ देना, ग्रीन बनता है तो डेफिनेटली डाउन की ट्रेड लेना, अगर रेड बनता है और एंट्री की वजह से लॉस जाता है तो छोड़ देना, लेकिन ग्रीन बनता है तो डाउन की ट्रेड ले लेना। $7 का डाउन की ट्रेड लेंगे, डाउन। थोड़ा सा ग्लिच अभी भी आ जा रहा है ट्रेड, मतलब स्मूथली प्लेस नहीं हो रहा है, हल्का हल्का ग्लिच दे रहा है मार्केट, रियल हाँ चेंज कर लेंगे इस ट्रेड को, विन होने के बाद चेंज कर लेंगे, ठीक है। तब तक अमाउंट सेट करके रखो $16, ठीक है, 16 अगर लॉस जाए। भाई मेरी एंट्री लगी नहीं, रेड नहीं लगी, नहीं लगी, मतलब मैं लगाया था $7 बट इधर क्लिक ही नहीं हुआ, शायद लगा ही नहीं, लगा होगा, आप वेट कीजिए दिखाएगा, आ जाएगी देर से, आता ही आप देर से देखना दिखा देगा, ठीक है, लग गया होगा, आपने क्लिक किया होगा तो लगा होगा, ठीक है, वो दिखा, हाँ क्लिक किया था, दिखा सकता है अभी तक, ठीक है। बाकी जो लोग $16 किए हैं सेट उस माइनस कर लें, ठीक है, नहीं तो ट्रेड प्लेस हो जाएगा तो मनी मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। चलिए ट्रेड प्रॉफिट हो गई श्योर शॉट, ओहो लास्ट में प्लट मत देना, प्रॉफिट है। चलिए ओके, अब अगला अमाउंट देखते हैं, 4 ट्रेड ना निकल गया प्रॉफिट, हाँ अब $4 आप लोग सेट कर लो, $4 अमाउंट सेट कर लो, ठीक है, और मार्केट को चेंज करते हैं, ग्लिच आ रहा है इसमें। इसके अलावा और कौन है, यूरो JPY के बाद यूरो आडे सही नहीं है, यूरो एक बार हम देख रहे हैं, दूसरा OTC को एक बार देख रहे हैं, ठीक है, अभी ट्रेड हम लोग नहीं लेंगे, अगर सही दिखेगा तो लेंगे। अच्छा वो जिसका ट्रेड नहीं लगा था वो सच में नहीं लगा था कि बाद में दिखाया, या फिर अभी तक नहीं दिखाया? नहीं ब्रदर अभी तक नहीं दिखाया वो, अब बैलेंस आपका कटा नहीं ना, तो आपका ट्रेड वो लगा ही नहीं, नेटवर्क के इशू से भी नहीं लगा हो। अच्छा आप मार्केट ओपन कीजिए ब्रदर, यूरो CHF OTC 90%, यूरो CHF OTC 90%, और $4 अमाउंट सेट करके हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन की, यूरो CHF OTC 90%, और $4 का ट्रेड करेंगे हम लोग डाउन डायरेक्शन की, यूरो CHF OTC 90%, और यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे डाउन डायरेक्शन की,
डाउन। तब तक अगला अमाउंट आप $8 सेट करके रखो, $8 OTC में। शाम को इवनिंग में मुझे मन नहीं था लेने का, बट कोई बात नहीं, तो आपका जिसमें मन है उसी में लीजिए ना। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं ग्लिच हो जा रहा है, किसी का ट्रेडिंग प्लेस नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पे ट्रेड निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे, फिर यूरो JPY में स्विच करेंगे। अगर ये लॉस जाता है तो डाउन की ट्रेड लेना है $8 का। डाउन की हम लोग ट्रेड करेंगे, यहाँ पे गैप अप ओपन कर दिया। OTC में बहुत ऐसे चलता है, गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए इसके बाद अगला अमाउंट आप तब तक सेट करके रखिए, $18 तब तक सेट कीजिए, $18 23 सेकेंड 22 सेकेंड बाकी है, बट कुछ कहा नहीं जा सकता OTC में, क्या हो जाए कब प्रॉफिट जाती है। तो पहले आप लोग बैलेंस को चेंज करना, नहीं तो हबड़ा कर ट्रेड लग जाएगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, इस पे चार करेंगे ना? हाँ बता रहे हैं, पहले देख लेते हैं हम। चलिए इसको प्रॉफिट हो गया, हाँ भाई प्रॉफिट, सबकी प्रॉफिट है ब्रदर, इन द मनी। ओके, 5 ट्रेड हम लोग प्रॉफिट कर चुके। अगला अमाउंट $4 का रहेगा, ठीक है, अगला अमाउंट $4 का रहेगा, ठीक है। और वापस से हम लोग यूरो JPY में आ जाएंगे, वापस से रियल मार्केट में ही आप स्विच कर लीजिए यूरो JPY, और अमाउंट रहेगा आपका $4 का। अमाउंट रहेगा $4 का, और हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे डाउन डायरेक्शन की, $4 का और डाउन डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे यूरो JPY में डाउन। तब तक अगला अमाउंट आप सेट करके रखिए $9 का, $9 सेट करके रखिए अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग डाउन की ट्रेड करेंगे, डाउन की तक अगला अमाउंट सेट करके रखिए, ठीक है, $20 अगला अमाउंट सेट करके रखिए, $20 सेट करके रखिए। और अगर ये भी लॉस होता है तो फिर हम लोग डाउन का ही इसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेंगे $20 का, और ये लास्ट ट्रेड भी होगा, अगर लॉस भी जाता है तो डाउन की ट्रेड लेंगे हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे बैलेंस को कम कर लो, नहीं तो फिर अगर आप गुस्से में आकर ट्रेड प्लेस कर दोगे तो मनी मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, इसलिए पहले कम कर दो, क्योंकि अगर ये लॉस भी जाता है तो ट्रेड इसके आगे लेना नहीं है, स्टॉप कर लेना है। तो इसलिए बैलेंस को आप वापस से कम करके सेट करके रखो, जिससे कि आपका इमोशन ख़राब ना हो और गलती से आप फिर से क्लिक ना कर सकें। अगर क्लिक होता है तो मनी मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या करता है मार्केट, यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता ब्रोदर। तो चलिए प्रॉफिट, मार्केट का मन नहीं था देने का इसमें, मार्केट का इसमें मन नहीं था, हाँ इसमें मार्केट का इसमें देखिए डर इसलिए लग रहा था ना, क्योंकि हम लोग का स्टॉप लॉस जा रहा था आज का, ठीक है, अभी वाला सेशन का, हाँ अगर इसीलिए डर लग रहा था। तो ब्रदर एक काम किया जाए, बड़ा विक आज के लिए देखा जाए तो हम लोग सही हैं, ठीक है, $30 वापस हम लोग प्रॉफिट में भी आ गए। अगर देखा जाए तो कल का रिकवर करके $13-14 की प्रॉफिट में आ चुके हैं, ठीक है। तो कितना ट्रेड हुआ, 5 ट्रेड हुआ ना, 5 ट्रेड है, 6 ट्रेड हुई, अच्छा 6 ट्रेड हुआ, हाँ हाँ हाँ। तो 200 से हम लोग का नीचे था ना बैलेंस, इसीलिए यहाँ पे $13 दिखा, नहीं तो ये $20 के आसपास हो गया होता। अभी हम लोग देखो रिकवर करके आगे निकल चुके हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और 4 ट्रेड हम लोग कर लेंगे तो अच्छी खासी हो जाएगी हम लोग की बैलेंस, ठीक है। अमाउंट मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ, $5 ही आपका अमाउंट रहे, मेरा यहाँ पे $30 आज की प्रॉफिट है, ठीक है, 30.46 $30 की। कल का लॉस भी रिकवर हो चुका है, प्लस हम लोग प्रॉफिट में भी लैंड कर चुके हैं आज। तो आप वापस से $5 पे आ जाओ, और हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड करते डाउन का, बट नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग एंट्री लेट हो जाएगी। हाँ मौका अच्छा था, क्योंकि डाउन ट्रेंड में भी था और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस देश में लाइन को ब्रेक भी किया था। कोई बात नहीं, छूट भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाता ना तो हम लोग के लिए एक बेस्ट मौका मिल जाता, ठीक है, अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाता तो सही बात एक स्टेप हम लोग बन जाते, लेकिन बनेगा नहीं क्योंकि वहाँ से गया ही नहीं है। तो इसमें हम लोग डाउन की ट्रेड करेंगे यूरो JPY में, नेक्स्ट डाउन की करेंगे $5 की, रिजेक्शन छोड़ा है तो डाउन एक और कैंडल आ सकती है, डाउन की ट्रेड कर लेंगे। रिजेक्शन लिया है नीचे से तो इसको वीक जो छोड़ा है इसको कवर करने आ सकता है मार्केट नीचे, बाकी ये तो बाउंस बैक है। अच्छा अगला अमाउंट $10 सेट करके रखिए, $10 कोई बात नहीं है, हर ट्रेड हमारी प्रॉफिट तो नहीं जा सकती है ना। $10 सेट करके रखिए, बाकी देखते हैं। अभी टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो सर मेरा $20 था। अच्छा सेट करना जरूरत नहीं है सर, प्रॉफिट में आ गया। नहीं सेट रखिए, ट्रेड मत लीजिएगा, जब प्रॉफिट हो जाए तो ट्रेड लेने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ना हो तो ट्रेड लेना है, ठीक है। अमाउंट सेट करके रखिए, देख हाँ 1 सेकंड में पलट जा रहा है ना कैंडल, तो देखिए हम कर्सर भी वहाँ पे नहीं रखे हैं, ठीक है, क्योंकि डर से क्लिक मतलब हबराहट से क्लिक हो जाए तो मनी मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा ना। बात $10 का नहीं है, बात है कि सीरीज को कंप्लीट करना है हम लोगों को, ठीक है, इस बात का। तो अगेन प्रॉफिट है भाई, काफ़ी डीप ITM गया है, इतना ऊपर जाने के बाद भी दे गया प्रॉफिट, तो $18 की प्रॉफिट वापस से।
$34 आज हम लोग बना चुके हैं इसमें, $26 सेवन ट्रेड हो चुका है ना। हाँ। अच्छा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज हम लोग स्टॉप कर लें तो सही रहेगा, क्योंकि एक चीज़ हम लोग रिकवर करके यहाँ तक आए हैं लॉस को, तो आज ज़्यादा करना सही छोड़ दिया जाए। 30% से ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है आज, आज हम लोगों ने काफ़ी, हाँ आज हम लोग को स्टॉप करना चाहिए क्योंकि हम लोग कल का लॉस रिकवर करके प्लस हम लोग प्रॉफिट में आए हैं। और एक और बात है कि आज भी हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो उसके हिसाब से भी हम लोग अगर उसको भी रिकवर किए फिर भी प्रॉफिट में लैंड कर गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है कल हम लोग करेंगे तो कल फिर से आराम से करेंगे। ठीक है स्टॉप करते हैं, ठीक है ठीक है। बाकी सब लोग प्रॉफिट में आ चुके हैं ना? जी सर जी। तो चलिए क्लोज करते हैं और रिकॉर्डिंग भी हो चुका है, 27 मिनट का हो चुका है रिकॉर्डिंग। ठीक है तो क्लोज करते हैं। थैंक यू सर। मेरा आज का 56 प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ? $56 और मेरा, और मेरा हुआ है 33, कितना दिखा रहा था, 34.71। ठीक है अच्छा अच्छा चलिए चलिए सबकी प्रॉफिट में मतलब, हाँ बोलिए, हाँ मतलब सब लोग प्रॉफिट में लैंड कर चुके हैं। ठीक है लॉस को रिकवर करके और हम लोग प्रॉफिट में लैंड कर चुके हैं। ठीक है अब हम लोग कल से अच्छे से करेंगे, मैनेज करके सही से चलेंगे। ठीक है हाँ बिल्कुल पेशेंस रखेंगे क्योंकि हम लोग को कंप्लीट करना है, अभी बहुत दिन बाकी है भाई इस जर्नी में। जी तो चल हाँ। और ब्रदर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इसके बाद आप लोग खुद से आप ट्रेड मत करना, ठीक है, नहीं तो वहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और मैं पब्लिक ग्रुप में आपको सेशन कराऊंगा, ठीक है, तो उसमें कोई मत करना, मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा। अगर आपका दूसरा अकाउंट है तो उसमें ले सकते हैं, या नहीं लेंगे तो भी चलेगा क्योंकि आज का टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो पब्लिक ग्रुप में हम एक दो सिग्नल प्रोवाइड करेंगे बाद में 7 या फिर 8 PM के करीब में। ठीक है तो फॉलो मत करना, आप लोग ज्वाइन करना, देखना कि कैसा जा रहा है। ठीक है लेकिन ट्रेड मत, हाँ यूट्यूब क्या यूट्यूब में देंगे ना? हाँ हाँ ये वाला वीडियो यूट्यूब में देंगे। ठीक है रिकॉर्डिंग देख रहे हो यहाँ पे, चला पहले वाला रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था फर्स्ट सेशन वाला, तो मैंने क्या किया कि उसका क्लिप एक रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है कि मैंने वहाँ पे जो ट्रेड कराया है कैसे लॉस किया कैसे प्रॉफिट किया, और उसका क्लिप भी एड कर दूंगा इसमें। हाँ तो देखो कुछ लोग कह रहे हैं ना भाई कि आप 30 मिनट मतलब 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करो, 30-35 मिनट की इसमें से कट करो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कट करने से अच्छा नहीं है, ऐसे सीधे के सीधे अपलोड कर दो, जिसको देखना है वो खुद समझेगा देख के। ठीक है सही बात क्योंकि कट करेंगे तो देखिए कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ बीच का कोई पार्ट कट कर रहा है तो ऐसा सही नहीं लगेगा। हाँ जिसको देखना है वो क्या करेगा कि वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर ले भाई, 2x कर ले, आधा मिनट में देख लेगा, 1 मिनट का अपनी वीडियो। हाँ बोलिए बोलिए ब्रदर। हाँ सर बोल रहे थे। हाँ बोलिए। हेलो हेलो इराज भाई। जी बोलिए। मैं बोल रहा था भाई कि मतलब जितना डेली का टारगेट है ना हम लोग अचीवमेंट का, हाँ उसको एक बार ग्रुप में प्लीज इन्फॉर्म कर देते तो अच्छा था कि आज हम लोग का इतना टारगेट अचीव हुआ। देखिए ब्रदर मैंने आपको पर्सनली सेंड कर दिया है, मैं आपको वो ग्रुप में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि उस टारगेट के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो उसमें डेट लिखा हुआ है, सबका माइंड बिगड़ेगा। हमारा टारगेट ये है ना कि ये जो कैपिटल दिख रहा है इसके ऊपर 10% रिस्क लेना है, 10% प्रॉफिट लेना है। ठीक है ये लेकर हम चल रहे हैं, तो बात वही होगी घुमा फिरा कर ग्रुप में डालने से क्या होगा कि आप लोग दिन भर यही सोचोगे भाई कि आज मुझे इतना करना है। ठीक है बाकी हाँ बाकी कोई नहीं है, और आपने पर्सनली बोला तो मैं आपको भेज भी दिया, जिसको भी चाहिए बोल देना हम दे देंगे। और ऐसा भी हमने पब्लिक में भी उसको डाल दिया, पब्लिक ग्रुप जो है उसमें भी मैंने उसको अपलोड कर चुके हैं। ठीक है तो कोई ऐसा कुछ, जी बोलिए। देखिए फर्क ये पड़ता है कि जैसे एक टाइम है तो हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी ट्रेड लेना चाहते हैं और मार्केट ऊपर चला गया मिस हो गया तो फिर नीचे आता है एंट्री सही मिलती है तो हम लोग वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं सिर्फ इसी कैंडल पे, और इसी कैंडल के साथ खत्म भी हो जाएगा। मतलब हम लोग 30 सेकंड का भी ट्रेड ले सकते हैं या फिर इसके ऊपर का 20 सेकंड मतलब 20 के तो नहीं लेंगे 30 के ऊपर का ले सकते हैं। ठीक है मिनट वाला में क्या होता है जहाँ से ट्रेड लोगे वहीं से 1 मिनट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है और रियल मार्केट में आपको नहीं मिलेगा मिनट, ठीक है इस क्वेटक्स में नहीं मिलता है, सिर्फ आपको डिफॉल्ट टाइम ही मिलता है, तो ये डिफॉल्ट टाइम सही होता है, अगर आपकी प्रेडिक्शन सही जा रही है तो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी बिल्कुल। तो चलिए मेरा क्वेश्चन है सर इधर टाइमर भी है ना मतलब एक मिनट ऐसा भी रहता है ना एक एक बोलिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट ऐसा भी रहता है ना? हाँ तो इसमें नहीं है अभी टाइमर वाले में नहीं है, टाइमर वाले में देखिए ये पहला जो आपको दिखाई है ये एक कैंडल का है, ये हो गया दूसरा कैंडल का टाइम के वाइज। देखो ये टाइमर का मतलब होता है जैसे कि ये अगर हम ट्रेड यहाँ पे लेते हैं तो 17:33 यानी 5:33 पर एक क्लोज हो जाएगा। जैसे अभी देखो क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है 17:32:13 हो रहा है, तो ये जो अभी हम लोग यहाँ पे ट्रेड जो लोग लिए होंगे ये कितने में खत्म होगा 33 में खत्म हो जाएगा, वो 33 वाले लिए होंगे इसमें। ठीक है ये वाले पे जो लिया होगा उसका जैसे 5:33 होगा तो ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। ठीक है वो दिखता है यहाँ पे, अब ये कैंडल खत्म हो जाएगा तो अगला ट्रेड क्या होगा 5:34 वाला। ठीक है तो 5:34 पे लेंगे तो जैसे 5:34 होगा वो कैंडल खत्म हो जाएगा, ये कैंडल एक एक मिनट का बन रही है। ठीक है यही डिफॉल्ट टाइम होता है। ओके चलिए ब्रदर ठीक है, और हम कल फिर मिलेंगे, बाकी उस कैपिटल को आप लोग बचा के चलना, खुद से ट्रेड और कहीं और फ्लो मत करना। ठीक है ओके
चलिए थैंक यू ब्रदर, चलिए ठीक है ब्रदर्स, क्लोज करते हैं ठीक है, चलिए ठीक, ओके ओके बाय।